उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र घुरावल थाना क्षेत्र के भैसवार पुरैनिया नहर के किनारे रामरक्षा कोल की अध्यक्षता में सम्यक मूल मोर्चा का किया गया बैकवर्ड जन आंदोलन, जिसमें मुख्य अतिथि धम्म गुरु अशोकानंद, संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक आइस बेस, विशिष्ट अतिथि आइस बेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक कालीचरण सोनकर एवं मिर्जापुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य, लालगंज तहसील कमेटी केवला प्रसाद कोल और अन्य संख्या हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आंदोलन लगातार अपनी वही मांगे उठा रही है, जिसमें प्रत्येक जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में शिक्षा, सर्विस, विधायिका व न्यायपालिका में हिस्सेदारी, आरक्षण दिया जाए ताकि OBC को 60% हिस्सेदारी प्राप्त हो सके, पूरे देश में जातिवार जनगणना कराई जाए, त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 126 के तहत सामाजिक रूप से अपेक्षित और गरीब OBC SC ST के प्रत्येक परिवार को कम से कम 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ आवंटित किया जाए, OBC जातियों पर हो रहे अन्याय को रोकने हेतु OBC एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए ताकि पिछड़ी जातियों को भी सुरक्षा और सम्मान मिल सके, उच्च व उच्चतम न्यायालयों में जजों की नियुक्तियों में OBC SC ST और माइनॉरिटी को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। सत्यात्रा न्यूज से मिर्जापुर ब्यूरो चीफ भूप नारायण मौर्य की रिपोर्ट। हाँ गुरु जी, आप अपनी परिचय बताएंगे। जी, मैं धर्मगुरु अशोकानंद, संस्थापक संयोजक सम्यक मूल मोर्चा एवं आइस बेस सामाजिक संगठन। जो आपका आगमन कहाँ से हुआ है, इस समय किस स्थान पर उपस्थित हैं आप? जी, मैं सम्यक सत्याग्रह कुटी बिहार बिदौली मिर्जापुर से आना हुआ है। आज हम लोग यहाँ भूमि अधिकार सम्मेलन में भैंसवार गांव तहसील घोरावल जनपद सोनभद्र में खड़े हैं। से जो आपका ये बैठक चल रही है, क्या उद्देश्य है इसका? जी, आज हम लोग भूमि अधिकार सम्मेलन यहाँ पर किए हैं। 50 गांव के लोग यहाँ पर एकत्र हुए, हजारों लोग एकत्र हुए हैं और सबकी यही मांग है भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि भूमिहीनों को 5-5 बीघा जमीन आवंटित किया जाए प्रत्येक परिवार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भूमिहीनों को कृषि भूमि आवंटित किया जाए। उसी के तहत हम सब लोगों ने मिल करके सरकार से मांग किया है कि 5-5 बीघा जमीन प्रत्येक परिवार को आवंटित किया जाए। सही, इस बात को लेकर के आपके यहाँ बैठक हुई? जी, सम्मेलन हुआ जी। तो सम्मेलन आज संपन्न हुआ, ये जो है कि गांव में है ना, इसी माननीय पूर्व विधायक कालीचरण जी आए हैं, इनसे जानते हैं। सर, आप इस बैठक में आए हैं, आपको क्या लगा, कैसे आए, कुछ कहना चाहते हैं? इस बैठक में आने का मेरा मकसद है कि भूमिहीनों को 5 बीघा भूमि सरकार उपलब्ध कराए हर गाँव में। अब तमाम बड़े बड़े लोगों के कब्जे में पर्याप्त ज़मीनें हैं कि भूमिहीनों को 5 बीघा ज़मीन दिया जा सके, इस मकसद से इस सम्मेलन में हम शामिल हुए। अच्छा, आप भी सहमत हैं कि इनके इन जो इनका कारवा चल रहा है, इसमें हम भी साथ देकर के जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे? हम इस आइस बेस संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अच्छा जी जी, एक प्रदेश जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो हम तो आंदोलन में पूरी ताकत से शामिल हैं और शामिल रहेंगे। ठीक है। माता जी, क्या नाम है आपका? संखी। ये जो आपका यहाँ सम्मेलन चल रहा था, इसके बारे में जो गुरुजी ने बताया, आप भी बता रहे हैं कि हम लोगों सभी को सम्मेलन के माध्यम से बताया कि 5-5 बीघे हर जमीन हर गरीब भूमिहीन परिवार को दिलाने का काम किया जाएगा, इससे आप लोग सहमत हैं? जी। पूरी महिला सहमत हैं? सभी पुरुष सहमत हैं? सब सहमत। सभी लोग गवर्नमेंट से मांग करना चाह रहे हैं, गुरु जी के साथ चलना चाहते हैं? कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली तक पहुँच जाएंगे सरकार तक? पहुँच जाएंगे। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।